बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी मेथड्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में हम जो है वो वैक्यूम के बारे में सबसे पहले जो है पढ़ेंगे। तो वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम हमारे पास लैटिन जबान का लफ्ज है जी, जिसका मतलब होता है एम्प्टी। लैटिन वर्ड व्हिच इज मीन बाय एम्प्टी, ठीक है जी। तो वैक्यूम जो है वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो हमारे पास ये इम्पॉसिबल है टू क्रिएट अ कंप्लीट वैक्यूम, एग्जैक्ट वैक्यूम, बट बाय लोअरिंग द प्रेशर, बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर वी कैन क्रिएट द वैक्यूम। वैक्यूम क्या है जी? व्हेन द प्रेशर ऑफ एनीथिंग एनी प्लेस इज लोअर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर देन वी कैन से दैट देयर इज अ वैक्यूम। तो हम कहते हैं कि वहां पे वैक्यूम क्रिएट हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है यूनिट है प्रेशर की, क्योंकि वैक्यूम जो है प्रेशर के मुतालिक है, प्रेशर को कम करने से जो है वैक्यूम क्रिएट होता है। तो अब जो है वो उसके लिए प्रेशर के लिए डिफरेंट यूनिट्स यूज किए जाते हैं। उनमें कौन कौन से हैं जी डिफरेंट यूनिट्स? सबसे पहले हमारे पास जो है वो पास्कल होता है, मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, टॉल है आपका, उसके अलावा पाउंड पर इंच स्क्वायर है। ये तमाम के तमाम हमारे पास जो है वो ये प्रेशर के जो है वो यूनिट्स हैं, ये हम यूज करते हैं इसमें। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो तो उस पर कितने हमारे पास जो है मॉलिक्यूल्स या एटम्स उसमें पाए जा सकते हैं। उसमें हमारे पास 2.5 × 10⁻¹⁹ मॉलिक्यूल पर सेंटीमीटर क्यूब में होंगे। इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर है तो हमारे पास जो होंगे मॉलिक्यूल्स होंगे एक सेंटीमीटर क्यूब में वो कितने होंगे जी? 2.5 × 10⁻¹⁹ मॉलिक्यूल पर सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद इसके एग्जांपल्स हैं, वैक्यूम की एग्जांपल्स हैं। अब जैसा कि हमारे पास बल्ब है, बल्ब के अंदर जो है वो वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, वैक्यूम ट्यूब्स होती हैं हमारे पास, हमारे पास जो है वो उसके अलावा लेबोरेटरीज में हमारे पास वैक्यूम चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, इसके अलावा वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं, उन सब में हमारे पास वैक्यूम क्रिएट किया गया होता है। उसके बाद हमारे पास है जी कि हम वैक्यूम क्रिएट कैसे कर सकते हैं, वो हम क्रिएट करते हैं पंपिंग टेक्नोलॉजी से। पंपिंग टेक्नोलॉजी से हम वैक्यूम कैसे क्रिएट करते हैं? पंपिंग टेक्नोलॉजी का फिनोमिना क्या है जी वैक्यूम क्रिएट करने का? तो वो हमारे पास है जी, बाई लोअरिंग द प्रेशर द वैक्यूम विल बी हायर। कि हम जो प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो वैक्यूम जो है वो हायर हो जाता है, वो बढ़ जाता है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। ये फिनोमिना है पंपिंग टेक्नोलॉजी का। अब पंपिंग टेक्नोलॉजी में हमारे पास जो है वो दो तरह से हम जो है इसे वैक्यूम क्रिएट करते हैं, एक मूविंग पंप से, एक मोशनलेस पंप से। अब मूविंग पंप का मतलब क्या है कि वो उसमें जो है वो ट्रेवल करेगा, उस आपकी प्लेस में वो आप वैक्यूम क्रिएट कर देगा। और हमारे पास मोशन लेस वैक्यूम का क्या मतलब है? वो एक जगह पे रुक के जो है वो सारी आपकी एयर या गैसेस जो हैं वो उनको जो है वो एक्सट्रैक्ट कर देगा बाहर और वैक्यूम क्रिएट कर देगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ वैक्यूम है हमारे पास आमतौर पर, जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैक्यूम, वन इज आर्टिफिशियल एंड अदर वन इज नेचुरल। आर्टिफिशियल वैक्यूम इज द वैक्यूम व्हिच इज क्रिएटेड बाय अस, व्हिच इज क्रिएटेड बाय एनी पर्सन बाय पंपिंग टेक्नोलॉजी या बाय एनी अदर सोर्सेस। बट द नेचुरल वैक्यूम इज द वैक्यूम व्हिच इज क्रिएटेड इन नेचर एज लाइक स्पेस, दिस इज अ नेचुरल वैक्यूम। तो ये दो तरह के वैक्यूम होते हैं हमारे पास। उसके बाद कुछ टर्म्स हैं वो आपको जो है वो जानना जरूरी है, आपको जो है मेथड्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स पढ़ने के लिए। उसमें हमारे पास एक है रेजिडुअल गैसेस। रेजिडुअल गैसेस क्या है? रेजिडुअल गैसेस हमारे पास वो गैसेस हैं, दीज आर द गैसेस व्हिच लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द क्रिएशन ऑफ वैक्यूम। जब हम पंपिंग कर देते हैं किसी जगह पे, फिर भी जो गैसेस की मिकदार बच जाती है उसे हम जो है वो रेजिडुअल गैसेस का नाम देते हैं। हमारे पास रेजिडुअल गैसेस होती है, बच जाने वाली गैसेस। उसके बाद हमारे पास है टर्म एमएफपी, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ का क्या मतलब है? मीन फ्री पाथ इज द पाथ, इट्स द डिस्टेंस अ पाथ बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजंस ऑफ पार्टिकल। जो हमारे पास किसी भी दो पार्टिकल हैं अगर किसी जगह पे हमारे पास ही हैं, तो इनके दरमियान कोलिजन होने में जितना इनका डिस्टेंस है उसे हम उसका मीन फ्री पाथ कहते हैं। तो मीन फ्री पाथ जो है ये हमारे पास वो डिस्टेंस है जो किसी भी पार्टिकल के, दो पार्टिकल्स के कोलिजन के दरमियान डिस्टेंस होता है, उसे हम मीन फ्री पाथ कहते हैं। इसके बाद एक और टर्म यूज होगी आपके, टाइम फॉर मोनोलेयर फॉर्मेशन। टाइम फॉर मोनोलेयर फॉर्मेशन का क्या मतलब है जी? कि हमारे पास
किसी भी जगह पे जो है, किसी भी प्लेस पे जो है, वो कितना टाइम लगता है एक मॉलिक्यूल्स की लेयर की फॉर्मेशन के लिए। मतलब ये हमारे पास अगर लेयर है, यहाँ पे एक एक मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन पे कितना टाइम लगेगा, उसे हम कहते हैं कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर मोनोलेयर फॉर्मेशन। मोनोलेयर मतलब एक लेयर मॉलिक्यूल्स की, एक लेयर की फॉर्मेशन के लिए जितना टाइम लगेगा, मोनोलेयर फॉर्मेशन। एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस टाइम, टाइम रिक्वायर्ड फॉर मोनोलेयर फॉर्मेशन, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं जी, उसका फार्मूला है हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर कॉम्पैक्ट लेयर ओवर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर कॉम्पैक्ट लेयर, के मतलब हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं जिनके हमने लेयर क्रिएट करनी है, उनके नंबर वो कितने हैं, ओवर हमारे पास जो है रेट ऑफ इंसिडेंट मॉलिक्यूल्स, कि मॉलिक्यूल्स कितनी रेट के साथ जो है वो इंसिडेंट कर रहे हैं लेयर पे। तो इस फार्मूला से हम जो है टाइम भी फाइंड आउट कर सकते हैं मोनोलेयर फॉर्मेशन का। उसके बाद एक टर्म है कि हमारे पास रेंजेस हैं डिफरेंट वैक्यूम्स की, अगर हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं तो वो कितने किस्म का हो सकता है, वो किस तरह का हो सकता है। तो वैक्यूम हमारे पास, हम इसको जो है वो बाय अकॉर्डिंग टू प्रेशर के हिसाब से हम जो है वो इसे डिफरेंट टाइप्स में जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास लो प्रेशर वैक्यूम है या लो वैक्यूम है, उसके बाद हमारे पास मीडियम वैक्यूम है, मीडियम वैक्यूम, उसके बाद हमारे पास हाई वैक्यूम है, हाई के बाद हमारे पास जो है वो अल्ट्रा हाई वैक्यूम है, अल्ट्रा हाई वैक्यूम, उसके बाद हमारे पास एक्सट्रीम अल्ट्रा हाई वैक्यूम है, एक्सट्रीम अल्ट्रा हाई वैक्यूम। ये हमारे पास जो है वो कुछ वैक्यूम्स हैं। अब ये जो वैक्यूम्स हैं इनकी रेंजेस हैं, ये कितना प्रेशर होगा तो कौन सा वैक्यूम जो है वो हमारे पास, हम उसे कौन सा वैक्यूम कहेंगे, तो उसकी रेंजेस हैं। अगर हमारे पास जो है वो वैक्यूम की रेंज है जी 10^-3 से लेके 10^-5 टॉर्क तक, तो हम उसे लो या मीडियम वैक्यूम कहेंगे। 10^-3 से 10^-5 टॉर्क तक होगी तो उसे हम लो या मीडियम वैक्यूम कहेंगे। और अगर हमारे पास प्रेशर की रेंज जो है वो 10^-6 से 10^-8 तक होगी टॉर में, तो उसे हम हाई वैक्यूम कहेंगे। और अगर हमारे पास प्रेशर की रेंज जो है वो 10^-8 से लेकर 10^-60 या इससे भी ज्यादा होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे जी, अल्ट्रा हाई वैक्यूम या एक्सट्रीम अल्ट्रा हाई वैक्यूम। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी कैरेक्टराइजेशन क्या, ये वैक्यूम्स जो हैं कि कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब जब हमारे पास लो या मीडियम वैक्यूम है तब हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वैक्यूम जो है वो उतनी ज्यादा होगी, देयर इज अ लार्जर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन लो और मीडियम वैक्यूम, ठीक है जी। अब यहां पे हमारे पास ये पंप हम करेंगे तो पंपिंग भी बहुत जल्दी होगी हमारे पास, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ज्यादा मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। उसके बाद जो हाई वैक्यूम है इसमें हमारे पास जो है फ्यू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये जो फ्यू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वहां पे पाए जाते हैं वैक्यूम में, वो भी कहां पे होते हैं, वो ऑन द सरफेस होते हैं, इट इज ऑन, देयर आर ऑन द सरफेस ऑफ द वैक्यूम, वो भी सरफेस के कोई कम होते हैं ना, वो सरफेस के करीब करीब आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास अल्ट्रा हाई या एक्सट्रीम अल्ट्रा हाई वैक्यूम जो है, ये हमारे पास जो है इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ही कम होते हैं, देयर आर वेरी स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बट देयर आर प्रेजेंट बिकॉज देयर आर 100,000 ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इवन व्हेन वी ग्रेटर लोड द प्रेशर, तो तब भी हमारे पास कुछ ना कुछ वहां पे मॉलिक्यूल्स जो है वो पाए जा रहे होंगे। तो हमारे पास जो एक्सट्रीम अल्ट्रा हाई वैक्यूम है इसमें हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत कम होते हैं वैक्यूम में जो प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जिसको आप जो यूज कर सकते हैं किसी भी लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स के लिए, इसकी जो एप्लीकेशन अब इनकी क्या क्या है, इनको अप्लाई कहाँ पे किया जा सकता है। अब जो लो या मीडियम वैक्यूम है हमारे पास,
इसको हम अप्लाई कर सकते हैं किसी भी चीज को लिफ्ट करने के लिए, ड्रिल करने के लिए, ठीक है जी, या किसी चीज को जो है वो अपलिफ्ट करने के लिए। और जो हाई वैक्यूम है उसको हम यूज कर सकते हैं चीजों को ड्राई करने के लिए, ठीक है जी। और जो अल्ट्रा हाई वैक्यूम या स्टीम अल्ट्रा हाई वैक्यूम है, ये जो है ये हम जो है वो एक लिमिट तक जो है हम जो है इसे एक्सट्रीम अल्ट्रा हाई तक लेके जा सकते हैं। वो लिमिट क्या है जी, 10^-33 torr, इससे ज्यादा का वैक्यूम हम अब तक क्रिएट नहीं कर सके हैं। और साइंटिस्ट जो है वो क्रिएट करना चाह रहे हैं कि एग्जैक्टनेस के लिए कोई भी एक्सपेरिमेंट है जो नेचुरल वैक्यूम में हम करना चाह रहे हैं, तो उसकी एग्जैक्टनेस के लिए हम इससे ज्यादा अचीव करना चाह रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा अभी तक अचीव हम नहीं कर पाए, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का पहला लेक्चर, बाकी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया।